तो वाल्व क्लियरेंस को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें पिस्टन को टॉप डेड सेंटर में लाना है। इसके लिए आपको कैम स्प्रॉकेट का मार्कर से इंजन हेड का मार्कर को अलाइन करना है और इससे पिस्टन जो है ये TDC पोजीशन यानी कि टॉप डेड सेंटर में आ जाता है। टॉप डेड सेंटर यानी कि सिलेंडर के सबसे ऊपरी हिस्से में जब पिस्टन चले आते हैं तब आपका कैमशाफ्ट जो है ये दोनों वाल्व्स को कंप्रेस नहीं करता है और ये रॉकर दोनों है जो ये फ्री पोजीशन में रहता है। आप देख सकते हैं ये मूव हो रहा है। तो ये पोजीशन में हमको एक फीलर गेज चाहिए। आप किसी भी फीलर गेज को पिक कर सकते हैं पर ज़्यादा चीप वाला फीलर गेज आप चूज़ ना करें तो ही बेहतर है क्योंकि उसमें रीडिंग्स जो है वो ठीक ठाक नहीं होता है। अभी कौन सा यहाँ पर आपको फीलर गेज चूज़ करना है ये आपको आपके मैनुअल बता देगा। 2008 से लेकर के अभी तक के सारे FZ मॉडल्स में जो इंटेक वाल्व का क्लियरेंस होता है वो है 0.08 से 0.12 मिलीमीटर तक। अब एग्जॉस्ट में ये है 0.12 से 0.16 तक। यहाँ पर आपका फीलर गेज में कौन सा स्लिट दी गई है उसके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा स्लिट यहाँ पर यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर मैं एवरेज लेके चलता हूँ और 0.1 mm का स्लिट मैं इंटेक में लगा रहा हूँ। तो फिलर गेज को हम यहाँ पर वाल्व का स्टेम का हेड और रॉकर आर्म के बीच वाले गैप से यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पर वाल्व एडजस्टिंग स्क्रू को एक प्लायर की मदद से नीचे और ऊपर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि इतना टाइट करना है कि ये स्लिट नीचे से आसानी से मूव हो। तो आप देख सकते हैं ये आसानी से मूव हो रहा है। तो अभी हम इसे लॉक नट से टाइट कर सकते हैं और टाइट करने के बाद भी आपको इसे चेक कर लेना है। तो टाइट करने के बाद भी आप देख सकते हैं ये मूव हो रहा है यानी कि हमारा इंटेक वाला एडजस्टमेंट अभी ठीक हो गया। अभी विदाउट स्लिट आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा प्ले है, ऐसा ही प्ले हमें चाहिए। अभी एग्जॉस्ट के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 0.15, एवरेज लेते हैं हम तो यहाँ पर 0.14 होता है, पर दुख की बात है कि यहाँ पर हमको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं ऐसे आपको इसे नीचे लगाना है और फिर आप एक प्लायर की मदद से ये एडजस्टिंग स्क्रू को नीचे लगाना है। अब आप देख सकते हैं ये ज़्यादा टाइट हो गया है और इसीलिए ये स्लिट मूव नहीं हो रहा है। तो अभी ये ठीक है। तो ऐसा करके आपके छोटा छोटा स्टेप में इसे चेंज करके देखना है कि कब ये एग्जैक्टली ठीक ठाक फिटिंग होता है। तो अभी हम यहाँ पर लॉक नट को टाइट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से आपका टैपेट का क्लियरेंस को चेक एंड रीएडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।